हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 4 एयर, जो कि हमारा क्लास 7 का है और एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। और ये हमारा ज्योग्राफी का होने वाला है, ठीक है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट। तो इसके पहले भी हमने पार्ट 1 कवर कर चुके हैं और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। ओके, दिस इज़ आवर पार्ट 2 वीडियो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पार्ट 1 में हम लोग कहाँ तक कवर किए थे। सो हमने पार्ट 1 में आई थिंक यहाँ तक हमने कवर कर लिए थे। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हम लोग एटमॉस्फेयर में स्ट्रक्चर जानेंगे। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर हमारा टॉपिक का नाम है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों क्या बोल रहा है, आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। तो जो हमारा अर्थ सर्फेस है, ठीक है, तो उसमें 5 लेयर्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के। ओके, मतलब डिवाइडेड होते हैं इनटू 5 लेयर्स में। ओके, नेक्स्ट है हमारा, दिस आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड हेक्सोस्फेयर। और इनका नाम क्या है दोस्तों, सबसे पहले में आ जाएगा ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड हेक्सोस्फेयर्स। फिगर 4.2, यू कैन सी इन फिगर 4.2। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा ट्रोपोस्फेयर दिया हुआ है, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये हमारा लेयर्स है एटमॉस्फेयर का। ओके, ट्रोपोस्फेयर, फिर आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीसोस्फेयर आता है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है दोस्तों, थर्मोस्फेयर, और लास्ट में हमारा क्या आता है, एक्सोस्फेयर। ओके, सो ये हमारा क्या है, लेयर का नेम है। ओके, 5 लेयर्स नेम है ये। तो सबसे पहले हम लोग ट्रोपोस्फेयर के बारे में जानते हैं दोस्तों। ट्रोपोस्फेयर में क्या बोल रहा है, दिस लेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जो ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। ओके, यहाँ पे ये बोल रहा है। नेक्स्ट है, इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। अब जो ट्रोपोस्फेयर का जो एवरेज हाइट है वो कितनी है दोस्तों, 13 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इसमें, द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। अब जो हम लोग एयर को ब्रीथ करते हैं तो वो ट्रोपोस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। ओके, ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्ट्रॉम ऑकर इन दिस लेयर। अब जितने भी यू नो वेदर फेनोमेना है, जैसे कि रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया या फिर हेल स्ट्रॉम हो गया, तो ये सब किस में आता है, हमारा ट्रोपोस्फेयर में ही आता है। ओके, ट्रोपोस्फेयर लेयर में ये सब आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, तो हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर में दोस्तों क्या बोल रहे हैं, एबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर, ओके, कौन लाई करता है, स्ट्रेटोस्फेयर लाई करता है। इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। अब इसका हाइट कितना होता है दोस्तों, 50 किलोमीटर होता है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फेनोमेना। अब ये जो क्लाउड है, ओके, ये जो क्लाउड है वो लेयर क्या होता है, फ्री होता है फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर। ओके, मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। अब जो ये लेयर होता है ना, तो ये यू नो दिस इज़ आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा, वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज डैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। अब जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर जो एयर है, ठीक है, जो हमारा यू नो एटमोसफेयर है, तो उसमें क्या होता है, ओजोन लेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों, ओजोन लेयर गैस पाए जाते हैं। ओके, वी हैव जस्ट लर्नड हाउ इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। अब यहाँ पे ये भी है कि वी हैव जस्ट लर्नड, अब हमने यहाँ पे ये पढ़ा, ओके, कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो प्रोटेक्ट भी करता है हमारे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज का, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे अर्थ को। ओके, नेक्स्ट है हमारा मीसोस्फेयर, तो मीसोस्फेयर पे हम लोग पढ़ते हैं। ओके, दिस इज़ आवर टॉपिक, दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब जो मीसोस्फेयर है वो हमारा थर्ड लेयर है। ओके, एटमॉस्फेयर का ये थर्ड लेयर है। सबसे फर्स्ट क्या था दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर, नेक्स्ट हमारा था स्ट्रेटोस्फेयर, और हमारा थर्ड है मीसोस्फेयर। ओके, इट लाई अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये जो आता है वो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आता है, अबव आता है। इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, और इसका जो हाइट कितना होता है वो होता है 80 किलोमीटर। ओके, मेट्रियोराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंट्रिंग फ्रॉम द स्पेस। अब यू नो मेट्रियोराइट्स जो होते हैं वो स्पेस में पाए जाते हैं, तो वो जब यू नो एंट्रिंग करते हैं यहाँ पे, तो वो बर्न अप हो जाते हैं। ओके, दिस लेयर में वो क्या हो जाते हैं, बर्न अप हो जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्मोस्फेयर, तो ये हम लोग देखते हैं। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट।
अब जो थर्मोस्फेयर है तो उसमें यू नो टेम्परेचर राइजेस करते हैं जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज होती है, हमारी नहीं मतलब जैसे जैसे यू नो एटमोसफेयर की हाइट क्या होती है इंक्रीज होती है ओके, तो वैसे वैसे वहाँ का क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है ओके। नेक्स्ट है हमारा आइनोस्फेयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। अब जो आइनोस्फेयर है ठीक है तो वो पार्ट है हमारा थर्मोस्फेयर का ओके। नेक्स्ट है हमारा इट एक्सटेंड्स बिटवीन, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इट एक्सटेंड्स बिटवीन 8400 किलोमीटर। अब ये कितना तक एक्सटेंड्स होता है 80 से 400 किलोमीटर ओके, 80 से 400 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड्स होता है। नेक्स्ट हमारा है दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। अब जो ये लेयर है ओके तो ये क्या चीज़ में हेल्प करता है, रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। इनफैक्ट रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। अब जो रेडियो वेव्स होते हैं ओके ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ, जो कि ट्रांसमिट किया जाता है अर्थ से, वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, इसी लेयर के हेल्प के कारण ओके। नेक्स्ट है हमारा एक्सोस्फीयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज नोन एज एक्सोस्फीयर। अब जो अपर लेयर है सबसे ऊपरी भाग ठीक है, द अपर मोस्ट लेयर, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेक्सोस्फीयर बोलेंगे, नाम से ही लग रहा है हेक्सो ठीक है, मतलब अपर लेयर जो सबसे बाहरी यू नो एटमोसफियर होगा, लेयर होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोस्फीयर ओके। नेक्स्ट है हमारा दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। अब जो ये एयर है तो उसके पास बहुत ही थिन एयर होते हैं ओके। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इन टू द स्पेस फ्रॉम हेयर। अब एक्सोस्फीयर में क्या होता है, लाइट गैसेस जैसे कि हीलियम, लाइट मतलब जो हल्की गैसेस हो ओके, तो हीलियम हो गया हाइड्रोजन हो गया, तो ये फ्लोट करते हैं ओके इन टू द स्पेस from here okay। सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, हमने कवर कर लिया एटमोसफेयर के कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं ठीक है, हमने उनके बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेदर एंड क्लाइमेट, तो वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज़ गोइंग टू रेन टूडे, आज बारिश होने वाली है। विल इट बी ब्राइट एंड सनी डे, तो आज ब्राइट और सनी डे होने वाला है ओके। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वी हेयर्ड दिस फ्रॉम एनसिस क्रिकेट फैंस स्पेकुलेटिंग द फेट ऑफ वन डे मैच। इफ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी रेडियो एंड द माइंड इट्स स्पीकर, वेदर इज समथिंग दैट फाइडल्स विथ इट्स कंट्रोल नोब्स। Whether in this hour to hour day to day condition of the atmosphere a hot or humid weather may be one irritable, a pleasant breezy weather may one cheerful and ever plan for an outing। अब यहाँ पे दोस्तों ये बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स आपने ये बात सुनी होगी ठीक है, कि जब यू नो क्रिकेट होता है वन डे मैच, तो उसमें हम लोग ये सब चीज़ें सुनते हैं। इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी रेडियो, अब हम लोग ऐसे इमेजिन करने लगे हमारे बॉडी को रेडियो है ठीक है। द माइंड इट्स स्पीकर, तो जो माइंड है वो स्पीकर बन जाता है। वेदर इज समथिंग डैट फाइडल्स विद इट कंट्रोल्स, अब वेदर वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है यू नो। वेदर इन दिस आवर टू आवर, वेदर बदलते रहता है आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर पर टोटली वो कंडीशन होता है। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर मे बी वन इरिटेबल, अ प्लीजेंट ब्रिजी वेदर मेक अ वन चेयरफुल एंड, अब जो हॉट एंड ह्यूमिड है तो वो इरिटेबल बना देता है हमारे यू नो वेदर को, तो और एक प्लीजेंट एक वेदर जो होता है वो ब्रिजी वेदर जो होता है तो वो एक चेयरफुल बना देता है यू नो इन्जॉयबल बना देता है ओके। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, अब जो वेदर है वो चेंज होते रहता है ठीक है बाई डे टू डे। हाउ एवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट। अब जैसे कि वेदर है जो एवरेज है ओके फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम तक, अब जैसा कि कुछ वेदर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट, अब वो क्लाइमेट बताता है कि इस प्लेस का क्लाइमेट क्या है। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट, तो आप लोग ये अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि क्यों हमारे लिए डेली फोरकास्ट यू नो वेदर होता है ओके। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर ओके, सो दिस टेम्परेचर वी विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट 3 ओके। दिस इज़ अ पार्ट 2 वीडियो, मैंने पार्ट 1 वीडियो भी पोस्ट कर रखा है, तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 वीडियो को ज़रूर वॉच करें, आप लोग वीडियो पे बने रहें। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, थैंक यू।